अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। विद इन 4 to 5 मिनट्स ना आई विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। देखो बच्चों आपकी LIMPED इट इज रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ रखें काइंडली। So, assalamu alaikum students. I think I have to start the lecture because almost 7 to 8 minutes humne wait kiya students ke liye. So, bismillah ar-rahman ar-rahim. Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. First of all, bachcho humne first lecture kiya tha last time. Which is your supervised clinical practice 2 का हमारा lecture number 1 था। Kindly सब students अपने mic off रखें, so that class में interruption ना हो और मैं अपना proper lecture deliver करूँ। At the end of the lecture हम questions का session रखेंगे और जो भी आपकी queries हुई related to lectures वो हम लोग उसको discuss कर लेंगे, ठीक है? So
बच्चों आज हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिकली सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस 2 का लेक्चर नंबर 2. एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न आई एम सानिया मकबूल एंड द डेमोंस्ट्रेटर एट UMT. सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम SCP2 की कोर्स कंटेंट्स देखे थे और उसमें से फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन सेंड भी की थी ड्राइव पे भी की थी उसमें मैंने ओवरव्यू एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताया था. उसमें हमने पढ़ा था बेसिकली कि व्हाट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, होता क्या है बेसिकली, ठीक है, उसमें सिस्टम्स के रिव्यू की क्या इम्पोर्टेंस है. एंड देन हमने पढ़ा था कि बेसिक स्टेप्स टू स्टार्ट द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है. हमने सिम्टम्स और साइंस में डिफरेंस भी पढ़ा था और फिर हमने लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी जो मैंने कहा था कि जनरल साइंस एंड सिम्टम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे, ठीक है. उसमें से हमने पैलर पढ़ा था, ठीक है, पैलर क्या होता है, साइनोसिस को डिस्कस किया था, सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस, और फिर हमने कुछ स्किन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी. आज हम डिटेल में कुछ स्किन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, कुछ स्किन लिजन्स की बात करेंगे, व्हाट इज जॉन्डेंस, जॉन्डेंस क्या होती है, आयरन रिलेटेड पैथोलॉजीज क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, डिहाइड्रेशन, द पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, सो हाउ we can assess the patient during general physical examination if he or she is dehydrated to humne usko kaise assess karna hai ye bhi hum check karenge. And the last one is the most important is edema and its type, okay bachcho. So first of all pigmentation disorders ke bare mein main discuss karti hu ki what are the pigmentation disorders. Bachcho pigmentation disorders means the disorders which implant some या which express some features on the skin. वो किसी तरह की skin manifestation जब आपकी body के ऊपर आती हैं तो उनसे related जो disorders हैं they are termed as pigmentation disorders. Clear है? So बच्चों यहाँ पे तीन terms लिखी हुई हैं. Number one is Addison's disease. Number two is the colasma and number third is Caffulet spots. ठीक है? Its pronunciation is Caffulet spots. So students, first of all, what is Addison's disease? Addison's disease में ये होता है कि decreased production of cortisol by the adrenal glands. हमारे जो adrenal glands हैं, वो basically exocrine glands हैं. वो produce करते हैं cortisol hormone. ठीक है? अब adrenal glands से अगर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो रही हो तो उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन बॉडी के ऊपर क्या आएगी, ड्यू टू विच डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन अकर्स ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट्स, एक्सिला, पामर क्रीजेस एंड रीसेंट स्कार्स. ये वो फोर पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपके बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट्स लाइक आपके फेस के ऊपर, आपके हैंड्स और आपके फीट्स के ऊपर, ये बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं. या तो ब्राउन पिगमेंटेशन यहाँ डिवेलप हो सकती है या फिर एक्जिला में डेवलप हो सकती है, पामर क्रीजिस में डेवलप हो सकती है, या फिर अगर बॉडी पे रिसेंट स्कार बने हुए हैं पेशेंट के ऊपर तो वहां पे भी ये मैनिफेस्टेशन आ सकती है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड में जो एक डायग्राम है फर्स्ट वाली, ये वाली, इसमें ऊपर वाले जो हैंड्स हैं वो नॉर्मल है, नीचे वाले जो हैंड्स हैं उसके ऊपर उन्होंने एडिसन्स डिजीज को शो किया है, ठीक है, कि पामर क्रीजेस के ऊपर लाइट सी ब्लैक और ब्राउन पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है. ये प्रॉपर अभी पिगमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन ये उन्होंने इनिशियल पिक्चर दिखाई है कि नॉर्मल हैंड्स, ये वाले नॉर्मल हैंड्स हैं और जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें उन्होंने दिखाया कि अभी स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द एडिसन्स डिजीज. सेकेंड वन है बच्चों द कोलास्मा. अब कोलास्मा बेसिकली इज अ टर्मिनोलॉजी विच अकर्स इन द प्रेगनेंसी और मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन प्रेगनेंसी में आती है. प्रेगनेंट फीमेल्स के अंदर समटाइम्स क्या होता है कि मास्क लाइक पिगमेंटेशन अकर्स इन प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो इन द फीमेल्स टेकिंग एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. इन दोनों में चूंकि हॉर्मोन्स की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि आपका जब हॉर्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना तो आपकी स्किन मैनिफेस्टेशन आती हैं. और प्रेगनेंसी के अंदर आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर सारा कंट्रोल ही बॉडी का हॉर्मोन्स, हार्मोनल लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, डिफरेंट हमारी बॉडी के हार्मोन्स इन कंडीशन के ऊपर
या तो डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन द फीमेल्स टेकिंग एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, इन दोनों कंडीशन के अंदर मास्क लाइक अगर पिगमेंटेशन डेवलप हो जाए ना, तो दैट इज टर्म्ड एज कोलास्मा. ये बच्चों एक फेस है फीमेल का, उसके ऊपर ये पिक्चर में शो किया गया कि ये कोलास्मा है. ठीक है, इस तरह की अपेयरेंस और इस तरह की लुक आती है फीमेल्स में. ठीक है, एंड द नेक्स्ट थर्ड वन इज कैफ्यूलेट स्पॉट्स. अब बच्चों कैफ्यूलेट स्पॉट्स स्पेसिफिकली न्यूरोफाइब्रामाटोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशन है. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. और ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या आती है कि ट्यूमर्स डिवेलप हो जाते हैं आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर. आपकी जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं ना, जो ब्रेन के अंदर होती हैं, उनमें से स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर ट्यूमर्स डिवेलप हो जाते हैं एंड द कंडीशन इज टर्म्ड एज न्यूरोफाइब्रामाटोसिस. ठीक है, और ये बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम लोगों में होती है बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आती हैं, उसकी वजह से एक मैनिफेस्टेशन डिवेलप होती है कि न्यूरोफाइब्रामाटोसिस है पेशेंट को. और न्यूरोफाइब्रामाटोसिस के अंदर अगर ब्राउन पैचेस ऑफ पिगमेंटेशन अगर पेशेंट की स्किन पे नजर आ रहे हैं, इट मीन्स कि उसको हम क्या कहेंगे, कैफ्यूलेट स्पॉट्स. अब ये बच्चों जो थर्ड डायग्राम है ना, इस तरह के ब्राउनिश अपीयरेंस स्किन पे आती है, इनको हम कहते हैं कैफ्यूलेट स्पॉट्स. ठीक है, यहां तक हमारे तीन जो इंपॉर्टेंट पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स थे जो हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने होते हैं. अब इसका बेनिफिट क्या है, दैट वी आर एग्जामिनिंग अ प्रेग्नेंट फीमेल. ठीक है, तो हम अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को एग्जामिन कर रहे हैं तो हम उसके एग्जामिनेशन के अंदर कोलाज्मा को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कोई पैथोलॉजी है. इट मींस कि मास्क लाइक पिगमेंटेशन अगर है तो उसका वो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से इंड्यूस्ड इफेक्ट है उसकी बॉडी के ऊपर, तो इट इज नॉर्मल. ठीक है, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम पेशेंट्स का करते हैं तो हमें ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में कि हम किसी फिजियोलॉजिकल चेंज को लेबल ना कर दें एज अ पैथोलॉजिकल चेंज. कि ऐसा ना हो कि पेशेंट की वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज में आ रहा हो और हमें उसके बारे में नो हाउ ना हो और हम पेशेंट को डायग्नोज कर दें कि इसको तो कोई पैथोलॉजी है. ठीक है, सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन फॉर कंडक्टिंग अ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. So the students, other terms related to skin lesions which are very important, और ये जितनी भी मैंने एक एक लाइन की डेफिनेशन है और ये एक एक लाइन की ही डेफिनेशन एग्जैक्टली वर्ड्स भी सेम है आपकी बेड साइड टेक्निक से, मैंने ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे कोट की है. ठीक है, तो अगर आप लोग ये वाला लेक्चर अगर मेरी स्लाइड से भी प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी बुक भी रेडी हो जाएगी बेड साइड टेक्निक्स की. क्लिनिकल लॉग बुक्स तो आपने पढ़नी ही है सारों ने, लेकिन ये बुक अगर आप इस लेक्चर के लिए अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो ये स्लाइड्स पढ़ लोगे तो इट इज इनफ, क्योंकि मैंने सारी चीजें एज इट इज स्लाइड्स में लिखी हैं. ये आपकी बेड साइड टेक्निक से मैंने बुक्स ये डेफिनेशन सारी की सारी ली है, उन सारा कॉन्सेप्ट मैंने वहां से बेसिकली लिया. सो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू स्किन लीजन इज मैक्यूल्स. Macules, what are macules? These are the areas of skin discoloration which are neither raised nor depressed. Means के आपकी skin पे light से areas थोड़े से prominent हो गए हैं skin के ऊपर, ठीक है, उसका color change हो गया है, लेकिन ना तो वो raised हुए हैं और ना ही depressed है. Means के बहुत light manifestation skin पे आई है. अब ये next slide के अंदर ये जो first one diagram है ना, अब इस diagram में आप लोग देख रहे हैं कि इस patient के ये hand की basically picture है. अब इसमें ना तो उसकी ये लिजन जो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स बने हैं, ना तो ये रेस्ड है और ना ही ये डिप्रेस्ड है. दीज आर वेरी नॉर्मल. ठीक है, मतलब बहुत से लाइट सा इंप्रेशन स्किन के ऊपर ये दे रही हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज मैक्यूल्स. नंबर सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास आती है जो स्किन लिजन, दैट इज पेप्यूल्स. पेप्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द एलिवेशन ऑफ द स्किन विच आर पेल्पेबल एंड डायमीटर इज लेस देन 5 मिलीमीटर. ठीक है, मींस कि ये एलिवेशंस हैं प्रॉपरली स्किन के ऊपर एंड दैट इज आल्सो पेल्पेबल, बट उनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होगा. ठीक है, हम नेक्स्ट भी साथ ही पढ़ लेते ताकि हम दोनों को कंपैरिजन भी कर लें.
The third one is nodules. These are similar to papules. बिल्कुल similar है papules का. It means कि elevations भी होंगी और palpable भी होंगी. But the diameter is more than 5 millimeter. दोनों के diameters में difference है. एक का diameter 5 millimeter से कम है और दूसरे का diameter 5 millimeter से ज्यादा है. So हम दोनों के diagrams देख लेते हैं. ये बच्चों basically papules की diagram है, ठीक है. और ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है नोड्यूल्स की, ये वाली थर्ड वन, ठीक है. ये नोड्यूल्स हैं, ये पेप्यूल्स हैं और फर्स्ट वन इज मैक्यूल. मैंने एक सीक्वेंस में सारी डायग्राम्स अरेंज करके ही स्लाइड में रखी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. और जब मैं आप लोगों को सेंड करूंगी ना तो मैं हर डायग्राम के नीचे उसका ना एक या तो टैग बना दूंगी या नीचे स्लाइड नोट एंटर कर दूंगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि ये किस पैथोलॉजी से रिलेटेड डायग्राम एंटर है. ठीक है, फर्स्ट वन मैक्यूल की, सेकंड वन पेप्यूल की, थर्ड वन बच्चों किसकी है नोड्यूल की. अब फोर्थ वन इज वेसिकल्स. वेसिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द सिस्टिक स्वेलिंग्स कंटेनिंग सीरस फ्लूइड एंड डायमीटर इज अप टू 5 millimeter. ठीक है, मतलब ये कि वेसिकल्स वैसे भी बहुत ज्यादा कॉमनली हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. ठीक है, कि वो फ्लूइड फिल्ड जो होते हैं ना वो स्वेलिंग्स होती है, उनमें सीरस फ्लूइड होता है लेकिन उसका डायमीटर अप टू 5 millimeter है. ये बेसिकली वेसिकल्स इस तरह के अक्सर स्किन पे इस तरह के वेसिकल्स बन भी जाते हैं. नॉर्मल मतलब नॉर्मली भी इस तरह के वेसिकल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर. ये हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं. ठीक है, ये अपेयरेंस में आते हैं. फिफ्थ वन इज बच्चो पोस्ट्यूल्स. दीज आर सिमिलर टू वेसिकल्स. ठीक है, बट द फ्लूइड इज ओपेक एंड येलोइश. मीन्स के यहाँ पे जो उस यानी यहाँ पस लाइक फ्लूइड होगा. ठीक है, बिकॉज उसका येलो कलर है. इट मीन्स के उसके अंदर कुछ पस के जो मतलब कंटेंट्स है ना वो प्रेजेंट होंगे पोस्ट्यूल्स के अंदर. बट दीज आर सिमिलर टू वेसिकल्स. अब ये बेसिकली आपके ये डायग्राम जो है ना ये बेसिकली आपकी किसकी है पोस्ट्यूल्स की. ठीक है, ये बेसिकली आप देख लें इसमें येलोइश सी अपेयरेंस आ रही है. इट मीन्स के येलो और ओपेक है तो ये हमारे पास इसमें पस कंटेनिंग एक स्किन लेजन है. और अगर ये पस कंटेनिंग स्किन लेजन होगी तो वो पोस्ट्यूल होगी. ठीक है, सिक्स्थ वन इज बच्चों बुला. बुला हम इसे बुला कहते हैं. ठीक है, दीज आर सिस्टिक लेजन ऑफ मोर देन 5 millimeter डायमीटर एंड आर फिल्ड विद सीरस और एनी हेमरेजिक फ्लूइड. मीन्स इसमें सीरस भी हो सकता है और उसमें हेमरेजिक फ्लूइड भी हो सकता है. और ये सिस्टिक लेजन का मतलब ये है कि इस जो बुला में जो लिजन्स आती है ना बच्चों उसकी क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं. ठीक है, ये देखें अगर ये ओवल है तो इसकी क्लियर कट एक बाउंड्री है और हमें जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सर हमें क्लियर कट डिफाइंड बॉर्डर्स नजर आएंगे. जबकि अगर हम इस पिक्चर को एनालिसिस करें तो इसके कोई इतने हार्स बॉर्डर्स नहीं है. ठीक है, इनके भी इतने हार्स बॉर्डर्स नहीं है, छोटे छोटे सी स्मॉल साइजेस के अंदर है ना इसके हैं. ये तो बिल्कुल स्किन के ऊपर नजर नहीं आ रहा. तो सिस्टिक मीन्स कि इसके अंदर एक सिस्ट है. मतलब सिस्ट का मतलब है कि हैविंग अ डेफिनेट बाउंड्रीज, एक क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज वाली जो भी स्किन मैनिफेस्टेशन होगी ना दैट इज टर्म्ड एज बुल्ला. और उसके अंदर सीरस या फिर हेमरेजिक फ्लूइड दोनों कंटेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, सो द सेवंथ वन इज स्टूडेंट्स बेसिकली व्हील्स. व्हील्स क्या होती हैं? दीज आर स्वेलिंग्स ऑफ स्किन ड्यू टू एक्यूट लोकलाइज्ड एडिमा. ये जस्ट बच्चों ये भी अगेन मैक्यूल्स की तरह जस्ट स्किन के ऊपर आपको एक रेडनेस ही नजर आएगी. ठीक है, समटाइम्स एक्यूट लोकलाइज्ड एडिमा का मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे लाइक आर्म्स के ऊपर या लेग्स के ऊपर एडिमा डिवेलप हो जाए ना तो उससे ऊपर वाली स्किन या उसके साइड लाइन जो स्किन होती है ना वो रेड सी हो जाती है. ये बेसिकली इसकी डायग्राम है ये वाली. ठीक है, ये बिल्कुल भी स्किन के ऊपर रेस लिजन्स नहीं होगी. ठीक है, इसकी कोई एलिवेशन नहीं नजर आएगी, कोई इसके अंदर पस नहीं होगा या कोई सीरस फ्लूड नहीं होगा. जस्ट ये क्या होगा कि एक स्किन कलर चेंज होगा. ठीक है, क्यों? ड्यू टू एक्यूट लोकलाइज्ड एडिमा की वजह से. बच्चों नेक्स्ट वन इज स्केल्स. दीज आर फॉर्म बाय एबनॉर्मल डीस्क्वेमेशन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन. आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है. डीस्क्वेमेशन का मतलब होता है कि स्क्वेमस सेल्स ऑफ द स्किन आर ड्राइड ऑफ, उतर रहे हैं. ठीक है, लाइक ये तो अक्सर भी हमने देखा होगा इस तरह के हैंड्स हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्केलिंग ऑफ हैंड्स. कि आपकी जो स्किन है ना सुपरफिशियल लेयर स्किन की
वो ड्राइड ऑफ हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्रस्ट. दीज आर फॉर्म्ड बाय द ड्राइड सिक्रीशंस. अब बच्चों ये वाली जो पिक्चर है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. ये बेसिकली डायग्राम है हमारे पास क्रस्ट की, ये वाली थर्ड वन. ठीक है. ये ड्राइड सिक्रीशंस यानी जब स्किन में से किसी वूंड की वजह से मतलब सिक्रीशंस हुई. ठीक है. वो वूंड हमने ड्रेसिंग के बाद साफ किया, क्लीन किया, सारा कुछ उसकी ड्रेसिंग हुई, उसके बाद एक ड्राइड सी जो उसके अपेरेंस आएगी ना वूंड के बाद, आफ्टर वूंड में बात करी, उसको हम क्रस्ट कहते हैं. कि इट मींस कि न्यू स्किन के आने से पहले एक क्रस्ट लाइक अपेरेंस स्किन के ऊपर आ गई है. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे क्रस्ट. दीज आर फॉर्म्ड बाय द ड्राइड सिक्रीशंस. सो बच्चों टेंथ वन इज पर्परा. पर्परा बहुत कॉमनली हमने सुना होगा, ब्लीडिंग इन टू द स्किन. आपकी स्किन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. ये देखिए, ये लेग में जिस तरह उन्होंने फुट का और लेग का एक पार्ट दिखाया हुआ है जहां पे प्रॉपरली, यानी अब ये पिक्चर अगर आप जब जूम करके चेक करेंगे तो ये प्रॉपरली जो है ना इसके अंदर ब्लड होता है. इट मीन्स कि ब्लीडिंग हो रही है स्किन के अंदर. ठीक है. तो ये हमें ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पता चल जाता है कि पेशेंट को पर्परा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इट मीन्स कि उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. 11th one is students pitaki. ठीक है. pitaki बोलते हैं इसको. ठीक है. और हम इसको sometimes petechial hemorrhages भी कहते हैं. These are red lesions 1 to 3 millimeter diameter due to bleeding and don't blanch on pressure. Means के जब हम pressure apply करेंगे ना तो ये blanch का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई fluid या कोई serous material नहीं ooze out होगा. Means कि जब हम press करेंगे ना तो ये नॉर्मल ही रहेगा, ब्लेंच नहीं करेगा. ठीक है. और ये रेड लीशंस, रेड कलर लीशंस होती हैं. ये बेसिकली ये जो डायग्राम है ना, ये सारी डायग्राम्स मैंने एक सीक्वेंस में ऐड की हुई है. ठीक है. तो ये जो बेसिकली डायग्राम है ना, ये पिटेकियल हेमरेजेस की डायग्राम है या पिटेकी इसको बोलते हैं. ये आप देख भी रहे होगे कि स्पॉट स्पॉट से हैं, लेकिन जब हम इसे प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो ये ब्लेंच नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है. तो बच्चों अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करती हैं. नेक्स्ट टर्म है ईकाइमोसिस. ईकाइमोसिस बच्चों अदर वर्ड्स में इसको इजीली याद रखने के लिए हम ईकाइमोसिस को कहते हैं ब्रूजेस. ठीक है. लाइक ब्रूज का मतलब ये है कि आपको कहीं चोट लग गई है. ठीक है. आपको कहीं आप गिर गए हैं या फॉल इंजरी है या कुछ भी ऐसे इवेंट हुआ है तो वहां पर आपको ब्लूइश सी अपेयरेंस नजर आएगी स्किन के ऊपर. दैट इज कॉल्ड अ ब्रूज. इसकी डेफिनेशन ये है कि दीज आर लार्ज रेडिश ब्लू लेजन्स, ब्लू कलर्ड लेजन्स होती हैं ड्यू टू द ब्लीडिंग इनटू द सबकुटेनियस टिश्यूज एंड आल्सो टर्म्ड एज ब्रूजेस. समटाइम्स हम ब्रूज स्किन को ये भी कहते हैं कि आपकी स्किन के अंदर से जो सबकुटेनियस टिश्यू है ना वो टीयर हो गया, उसकी टीयरिंग हो गई है. बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है ना. जो हमारे सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स इंट्रा जो डर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जितने भी, उसमें सबकुटेनियस टिश्यूज आ जाए, मसल्स आ जाए, लिगामेंट्स आ जाए, उनकी बेसिकली जब टीयरिंग हो जाती है ना तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. वो ब्लीडिंग स्किन के ऊपर जब नजर आती है ना डैट इज कॉल्ड अ ब्रूज. इट मीन्स को बंदे को चोट लगी है और अब उसकी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गई है स्किन के ऊपर. इसको अदर वर्ड्स में हम ईकाइमोसिस भी बोलते हैं. जैसे बच्चों ये वाली, ये जो पिक्चर है ना ये ईकाइमोसिस की है और ये मोस्टली हम देखते भी हैं इस तरह की अपेयरेंस. कि समटाइम्स अगर किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो उसको ब्रूजेस डेवलप हो जाती हैं नी के अराउंड या एल्बो के अराउंड, स्पेसिफिकली बोनी वो जो आपके एरियाज होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड में आते हैं जब ये इंजरीज होती हैं, तो वहाँ पे ये ईकाइमोसिस या ब्रूजेस लाइक अपेयरेंस मोस्ट कॉमनली वहाँ पे उनकी मैनिफेस्टेशन होती है. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट है हीमाटोमा. हीमाटोमा इट इज पेल्पेबल फ्लक्टेंट कलेक्शन ऑफ ब्लड. ये मोस्ट कॉमनली सर्जिकल वार्ड्स में देखा जाता है. ठीक है. सर्जरी में जब पेशेंट्स होते हैं ना तो वहां पर डिफरेंट बॉडी के ऊपर हीमाटोमास डेवलप हुए होते हैं और हीमाटोमा का पेशेंट उसको देखने से पता चल जाता है कि इसके बॉडी के एरिया के अंदर, स्किन के स्पेसिफिक एरिया के अंदर कलेक्शन ऑफ ब्लड है. ठीक है. और वो बहुत
ब्लड की कंसिस्टेंसी भी बहुत फ्रेश होती है. ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा जो ब्लड होगा उसका फ्लो भी कम होगा. वो आपको जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर रहे होंगे तो हमें पेशेंट की मतलब साइट विजन से ही पता चल जाएगा कि ये हीमाटोमा है स्पेसिफिकली, क्योंकि वो इतना फ्रेश कलर्ड ब्लड का कलेक्शन होगी कि वो हमें उसके लिए कोई डायग्नोसिस सेकेंड ओपिनियन लेना ही नहीं पड़ेगा. थर्ड वन इज स्टूडेंट्स टेलेंजेक्टेसिस. अब जो टेलेंजेक्टेसिस होती है ना और स्पाइडर नेवी ऑलमोस्ट दोनों एक जैसी हैं, ठीक है. लेकिन स्पाइडर नेवी के अंदर जो है ना स्पाइडर लाइक वेब डिवेलप हो जाता है और उसका एक सेंट्रल आर्ट्रियोल होता है. सेंट्रल आर्ट्रियोल का मतलब ये है कि वहां पे एक सेंटर पॉइंट होगा. पहले एक सेंटर पॉइंट पे पैथोलॉजी स्टार्ट होगी और वहां से क्या होगा कि आपकी स्किन के अंदर स्पाइडर जैसे अपने वेब्स नहीं क्रिएट करता, वैसे स्पाइडर लाइक वेब्स आपकी बॉडी पे क्रिएट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइडर नेवी. लेकिन जो टेलेंजेक्टेसिस है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी ब्लड के अंदर जो वेसल्स होंगी ना वो अगर एबनॉर्मली डायलेट हो जाए ना तो वो एक टेलेंजेक्टेसिस लाइक, ये भी लाइक स्पाइडर लाइक की पेरेंट्स होती है. लेकिन प्रॉपरली जो वेब बनता है ना वो आपके स्पाइडर नेवी में बनता है. अब हम दोनों डायग्राम्स को देखते हैं और फिर हमें असेस हो जाएगा. बच्चा जो फर्स्ट वन डायग्राम है ना ये बेसिकली टेलेंजेक्टेसिस की है, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि एबनॉर्मली डायलेटेड टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, मतलब उनकी वजह से ये डिवेलप होता है. और इसका कलर जो होता है ना स्किन के ऊपर वो प्रॉपरली रेड होता है, जबकि जो हमारे पास स्पाइडर वेब है ना वो थोड़ा पिंकिश अपेरेंस देता है. और ये देखें ये जो स्पाइडर नेवी है उसमें एक स्पाइडर लाइक उसके वेब की तरह एक मतलब एक उसके वेब लाइक एक पिक्चर डिवेलप हो जाती है स्किन के ऊपर. बट इट इज पिंक इन कलर, वो कंसिस्टेंसी में थोड़ी पिंकिश मतलब लुक देगी, बिकॉज हमें पता है कि ब्लड वैसे उसके अंदर फ्रेश ब्लड होगा तो डेट्स वाई वो बहुत रेड अपेयरेंस होगी, ठीक है, रेडिश होगी, ये पिंकिश होगी. और ये थोड़ा नेटवर्क लाइक होगा टेलेंजेक्टेसिस. और ये स्पाइडर वाला जो ना वो छोटा सा होगा, मतलब बहुत स्मॉल साइज में होगा लेकिन स्पाइडर वेब्स प्रॉपरली डिवेलप हुए होंगे. तो इन दोनों में थोड़ा सा ना हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है. सो फिफ्थ वन इज बच्चो कैंपबेल डी मॉर्गन स्पोर्ट्स. ठीक है, दीज आर रेड स्वेलिंग्स 1-2. बेसिकली ये जिस साइंटिस्ट ने इसको डिवाइस किया था फर्स्ट टाइम उसी के नेम पर इसका डायग्नोसिस है. ठीक है, कैंपबेल डी मॉर्गन स्पोर्ट्स, दीज आर रेड स्वेलिंग्स 1-2 मिलीमीटर इन डायमीटर विच डोंट फेड ऑन प्रेशर एंड कॉमनली डिवेलप ऑन द चेस्ट एंड एबडोमेन. यानी एबडोमेन और चेस्ट पर मोस्टली डिवेलप होती हैं और ये प्रॉपरली अगेन जैसे हीमाटोमा मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा फ्रेश ब्लड होता है, इसके अंदर भी बिल्कुल प्योर ये थर्ड डायग्राम जो है वो बेसिकली इसकी है कैंपबेल डी मॉर्गन स्पोर्ट्स की. ये बिल्कुल रेडिश कलर के होंगे, 1-2 मिलीमीटर इनका डायमीटर होगा और ये फेड भी नहीं करेंगे प्रेशर पे. ठीक है, जब हम इनको प्रेस करेंगे तो ये फेड नहीं करेंगे और बिल्कुल रेडिश इन कंसिस्टेंसी में होंगे. और कॉमनली उन्होंने बताया हुआ कि चेस्ट और आपके एब्डोमेन के ऊपर ये डिवेलप होते हैं. अब लास्ट टू बच्चों सिक्स्थ और सेवन्थ, वन इज अरिथमा नोडोजम एंड सेकेंड वन इज अरिथमा मार्जिनेटम. जो बेसिकली अरिथमा नोडोजम है दीज आर रेड पेनफुल टेंडर इंड्यूरेटेड स्वेलिंग्स ऑफ वेरिएबल साइज मेनली ऑन द शिन. शिन मीन्स टिबिया, आपकी टिबिया पे स्पेसिफिकली ये डिवेलप होती हैं. बट ये रेड भी होंगे, आपके बहुत पेनफुल भी होंगे. अभी तक मैंने कोई ऐसा स्किन लेजन नहीं बताया जो बहुत ज्यादा पेनफुल हो. ठीक है, हीमाटोमा थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में पेनफुल होता है लेकिन, और ब्रूजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अरिथमा नोडोजम में पेशेंट को इतनी ज्यादा पेन होती है कि वो स्पेसिफिकली जो है ना उसको वहां पे उसी साइड पे इंजेक्शन भी समटाइम्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल टेंडर इंड्यूरेटेड स्वेलिंग्स वेरिएबल साइज का मतलब है कि साइज के अंदर ये वेरी कर सकती है और आपके बेसिकली शिन टिबिया पे डिवेलप होती है. कॉमन कॉजेज आर इसकी ट्यूबरक्लोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, सार्कोडोसिस हो सकती है. ठीक है, और बेसिकली आपके पास ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जो ये कॉज करती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है कि कोई ड्रग्स करें. और ड्रग्स में भी विश टाइप ऑफ ड्रग्स कर सकती हैं आपकी ऑटो इम्यून जो ड्रग्स होती हैं ना, या आपकी समटाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर बहुत ज्यादा पेशेंट ले रहा है तो वो भी कर सकती है कॉज.
अब इसकी प्रेजेंटेशन ये है बच्चों, अरिथमा नोडोजम आपकी शिन पे डिवेलप होगा और इस तरह की, ये अभी इनिशियल प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, ये लेट स्टेज के अंदर पूरी टिबिया बोन के ऊपर रेड, मतलब एक रेड कलर की लाइंस डिवेलप हो जाती हैं, ठीक है, और वो बहुत पेनफुल होती है, और मोस्ट कॉमनली ये बच्चों के अंदर ज्यादा प्रेजेंटेशन में आती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। अरिथमा मार्जिनेटम क्या है, दीज आर ट्रांसिएंट पिंक पैचेस मेनली ऑन द ट्रंक, अब ये बेसिकली ट्रंक पे डिवेलप होते हैं, विद जॉइन टू फॉर्म लार्ज एरियाज विद पेल सेंटर, पैचेस पिंक है लेकिन उनका सेंटर पेल होगा, येलोइश होगा, एंड वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया ऑफ रूमेटिक फीवर, बच्चों जो रूमेटिक फीवर है ना वो रूमेटिक हार्ट डिजीज भी कॉज करता है, ठीक है, जब आप लोग सीवियस पढ़ोगे ना मेडिसिन में तो वहां पर रूमेटिक फीवर होगा, अब रूमेटिक फीवर के अंदर सबसे जो उसका उसके 5 to 7 आई थिंक डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होती हैं, कि अगर उन क्राइटेरियाज में से 3 या 2 क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं ना द पेशेंट इज हैविंग द रूमेटिक फीवर, और रूमेटिक हार्ट डिजीज भी पेशेंट को हो सकता है, हम उसको लेबल कर देते हैं, तो उस क्राइटेरिया में से अरिथमा मार्जिनेटम इज वन ऑफ द प्रोनाउंस्ड क्राइटेरिया, तो अरिथमा मार्जिनेटम इट मींस कि नॉर्मली पेशेंट्स में नहीं होता, ये स्पेशल कैटेगरी है, उन्हीं पेशेंट्स में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली पिक्चर है, और ये भी बच्चों में होता है, और ज्यादातर ये कहाँ पे होता है, ट्रंक पे, ठीक है, ट्रंक पे डिवेलप होगा, चेस्ट पे डिवेलप होगा, मींस कि आपकी पेरिफेरीज को इन्वॉल्व नहीं करेगा, सेंट्रल बॉडी को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, तो ये सारी जो स्किन लेजन्स हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती हैं, पिक्चर्स के साथ मैंने सारी पिक्चर्स ऐड की हैं नेट से ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम वार्ड में नहीं जा रहे और मोस्टली पेशेंट्स में ये सारी स्किन लेजन्स हम देख भी नहीं सकते, तो हमें इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में डेफिनेशंस में, और ये बेसिकली आज का जो ये सारी स्किन लेजन्स थी अब तक जो मैंने पढ़ाया ना ये सारा आपका होम टास्क था, ठीक है, और ये नेक्स्ट टाइम मैंने होम टास्क सारा पूछना भी है, मैंने लास्ट पे एक स्लाइड ऐड की भी है इस प्रेजेंटेशन के होम टास्क के नाम से, ठीक है, वो उसमें ये सारी टर्म्स लिखी मैंने वॉलंटरीली में कुछ स्टूडेंट से नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा जो है ना ये किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है, तो सबने पढ़ के आनी है ये सारी अच्छे तरीके से, बिकॉज ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट वन इज बच्चों अब आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें हमने उस दिन पैलर साइनोसिस और सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस पढ़ा था, इसी तरह हमारे जॉन्डन्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज जॉन्डन्स। मोस्ट कॉमनली अगर हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो ना तो पेशेंट्स में जॉन्डन्स की कंप्लेंट्स होती हैं, और समटाइम्स अगर हम प्रॉपर एग्जामिनेशन ना करें तो डॉक्टर्स जॉन्डन्स को मिसगाइडेड भी कर देते हैं, लाइक उसको डायग्नोज ही नहीं करते कि ये पेशेंट को था। तो जॉन्डन्स क्या है, बेसिकली बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मेटाबोलिज्म, व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द सीरम राइजेस अबव 2 mg/cent इट बिकम्स क्लिनिकली डिटेक्टेबल एज येलो डिस्कलरेशन ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड इज कॉल्ड जॉन्डन्स, ठीक है, मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक सीरम लेवल बताया है कि जब सीरम लेवल बिलिरुबिन का कितना हो जाएगा अबव 2 mg/cent तो वो क्लिनिकली आपके बॉडी टिश्यूज के ऊपर एक येलो डिस्कलरेशन देगा, एक येलो कलरिश अपेयरेंस देगा, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अ जॉन्डन्स। अब बेसिकली किन बॉडी टिश्यूज पे येलो कलर आ सकता है, उनकी साइड्स उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे बताई है कि साइड्स आर स्किन, स्क्लेरा, द मोस्ट रिलायबल साइन। डॉक्टर्स जब भी हमने अक्सर देखा होगा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी आईज को थोड़ा एग्जामिन करता है, वो बेसिकली आपकी स्क्लेरा को चेक करता है जॉन्डन्स के, ठीक है, और जॉन्डन्स इनडायरेक्टली मीन्स कि आपका लिवर नॉर्मल वर्किंग में है या नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर आपका लिवर नॉर्मली काम नहीं कर रहा तो इट मीन्स के बिलिरुबिन विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मेटाबोलिज्म वो नहीं डिवेलप होनी चाहिए थी, ठीक है, प्रॉपरली इट मीन्स के मेटाबोलिज्म नहीं चल रहा जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर्स ये अपने एग्जामिनेशन में स्क्लेरा को सबसे पहले चेक करते हैं। मोस्ट रिलायबल साइन मीन्स स्क्लेरा में अगर येलोइश लुक आ रही है, पेलनेस आ रही है, तो इट मीन्स के पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द जॉन्डन्स, ठीक है, स्किन, स्क्लेरा एंड अंडर सरफेस ऑफ टंग। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी बेड साइड टेक्निक्स के अंदर एज इट इज लाइंस हैं, तो अगर आप यहां से पढ़ लोगे तो ये भी ठीक है, और अब जो नेक्स्ट लाइन्स हैं वो सारी आपकी क्लिनिकल लॉग बुक के पॉइंट्स हैं,
इसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन जॉन्डन्स द स्क्लेरा म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द स्किन आर येलो. अगेन वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है. जॉन्डन्स इज यूजुअली क्लिनिकल डिटेक्टेबल व्हेन द सीरम बिलिरुबिन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 50 म्यू मोल पर लीटर. ये इन्होंने बेसिकली म्यू मोल में दिया हुआ है, ऊपर उन्होंने 2 mg/cent में दिया हुआ है. ठीक है, तो हमने दोनों रेशियोज याद करनी है ताकि अगर हमें MCQs में पूछा जाता है या क्विज में पूछा जाता है, अगर हमें दोनों यूनिट्स में याद होगा तो हमारे लिए ईजी होगा. इट इज यूजफुल टू लुक फॉर द जॉन्डन्स इन द सब लिंगुअल म्यूकोजा. अगेन मैंने बताया अंडर सरफेस ऑफ टंग के ऊपर इजिली हम देख सकते हैं. पेशेंट्स विद द परनिशियस एनीमिया मे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लेमन येलो कॉम्प्लेक्शन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ माइल्ड जॉन्डन्स एंड एनीमिया. जस्ट उन्होंने ये बताया कि परनिशियस एनीमिया के पेशेंट के अंदर उनका प्रॉपरली यानी एक ये जिस तरह मैंने एक डायग्राम भी ऊपर छोटी सी शो कराई है, ये पेशेंट का ना सिर्फ आईज पेल है बल्कि उसका कॉम्प्लेक्शन ही पेल होता है. पेशेंट बाय कॉम्प्लेक्शन ही येलो होगा. तो परनिशियस एनीमिया का पेशेंट इस तरह का मतलब लुक देगा, येलोइश होगा, उसकी पूरी बॉडी भी येलो होगी. हम तो होते ना कि हम देख रहे हैं कि आईज येलो ना हो, टंग में उसकी पेलनेस ना हो, उसकी फुल कॉम्प्लेक्शन ही येलो होगा. इफ द जॉन्डेंस इज डीप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग अ ग्रीनिश कलर डिवेलप्स इन द स्क्लेरा एंड स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिली वर्डन. ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए तो आपका ग्रीनिश अपेयरेंस भी आना शुरू हो जाती है. बट ये बहुत रेयर है कि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो, क्योंकि जब पेशेंट की पेलनेस स्टार्ट होती है तो डॉक्टर तभी डायग्नोज कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर. सो द नेक्स्ट वर्ड इज बेसिकली आयरन. हमें जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आयरन को डिटेक्ट करना क्यों, मतलब आयरन से रिलेटेड पैथोलॉजीज को चेक करना क्यों जरूरी है? बिकॉज आयरन की वजह से बच्चों हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन तो नहीं है लेकिन ये मोस्टली पेशेंट्स के अंदर आती है. मतलब सर्जिकल पेशेंट्स के अंदर जो हीमोक्रोमेटोसिस की रेशो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसी होती है कि ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि 30 पेशेंट्स हैं तो उनमें से 10 पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, क्योंकि उनका आयरन का लेवल जो होता है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, बिकॉज सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो वो ब्लड रिकवर नहीं अगर कर रहा हो तो आयरन डिस्टर्बेंस हो जाती है. तो हम हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर यही पढ़ेंगे कि इन हीमोक्रोमेटोसिस इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन डेपोजिशन एंड इंक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन. ठीक है, कि आपके आयरन भी डिपॉजिट हो रहा है और इंक्रीज्ड मेलानिन भी प्रोड्यूस हो रही है. मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स है, जितना ज्यादा मेलानिन आपकी बॉडी में होगा उतना डार्कर कॉम्प्लेक्शन डेवलप होता जाएगा. इट मींस कि हीमो जो क्रोमेटोसिस के पेशेंट्स हैं उनका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डार्क हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, बिकॉज उनके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा है और सारा बॉडी का जो आयरन है ना वो स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. इट मीन्स के आयरन तो वैसे ही ब्लैकिश लुक देगा तो स्किन की भी ब्लैक लुक हो जाएगी. कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन डेपोजिशन एंड इंक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन. अब अगर ये कंडीशन हीमोक्रोमेटोसिस अगर डायबिटिक पेशेंट भी हो इन कॉम्बिनेशन विद डायबिटीज मेलाइटिस, द क्लिनिकल सिंड्रोम इज नोन एज ब्रॉन्ज्ड डायबिटीज. द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज और ब्रॉन्ज एक मेटल होती है, उसकी लुक पेशेंट के अंदर आना शुरू हो जाती है, यानी वो ब्लैकिश हो जाएगा. उसके हैंड्स, उसके फीट, उसके बॉडी कॉम्प्लेक्शन इस तरह का हो जाएगा कि उसकी ब्रॉन्ज लाइक अपेयरेंस होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्रॉन्ज डायबिटीज. बट ब्रॉन्ज डायबिटीज के अंदर दो चीजें होती है, हीमोक्रोमेटोसिस प्लस डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, अब नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि हीमोसिड्रिन और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट मे बी डिपॉजिटेड लोकली इन द लोअर लेग्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ वीनस इनसफिशिएंसी. ठीक है, कि आपका बेसिकली हीमोसिड्रिन वो कंपोनेंट होता है जो जाके डिपॉजिट हो रहा है कहां पर, आपके बॉडी टिश्यूज के अंदर. ठीक है, लोकल डेपोजिशन ऑफ हीमोसिड्रिन मे अकर विद हीट डैमेज टू द स्किन. दिस में अगर व्हेन अ पर्सन मोस्ट ऑफन एल्डरली सिट्स टू क्लोज टू द फायर. ठीक है, या फिर समटाइम्स ये हीमोस जो जिसकी जिड्रिन की बात करें ना उसकी डेपोजिशन इस वजह से भी हो सकती है कि अगर एक पेशेंट बहुत ज्यादा हीट के क्लोज है, लाइक वो अगर क्लोज टू फायर है और इन पेशेंट्स हु अप्लाई लोकल हीट लाइक कोल्ड वाटर बॉटल और टू द साइट ऑफ पेन. लेकिन ये दोनों बातें ना बहुत कम होती हैं क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बहुत ज्यादा हीट के पास जाएगा.
या बहुत ज्यादा देर के लिए जो है ना वो हीट एप्लीकेशन लेगा, ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगे कि मुझे ज्यादा जो है ना वो हॉटनेस फील हो रही है, तो मैं जो भी एप्लीकेंट लगाया हुआ उसको मैं रिमूव करती हूँ. कि बहुत कम मैनिफेस्टेशन, लेकिन ऐसे हो सकता है. जो मोस्ट कॉमन है वो यही है कि आपके जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं उसमें ये होता है, बिकॉज वहां पे हमारा आयरन लेवल डिस्टर्ब हो रहा होता है, कि आयरन आपकी बॉडी को मिलने के बजाय आपकी स्किन पर डिपॉजिट हो रहा है. और फिर मेलानिन भी सब साथ डिपॉजिट हो रहा है, तो स्किन की कलर चेंज हो रहा है. फिर अगर पेशेंट को डायबिटीज भी है तो उसको ब्रॉन्ज डायबिटीज होगी. इस तरह के बच्चों पेरेंट्स होती है, ठीक है. पेशेंट बिल्कुल फेयर कम्प्लेक्शन के साथ था, बट अब पेशेंट के हैंड्स इस तरह के हो गए हैं, ठीक है. और उसकी लेग्स, अभी मैंने बताया था कि वो लेग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसकी लेग्स इस तरह की होती है, क्या उसकी इस तरह की अपेयरेंस आना शुरू होती है. और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि पेशेंट के दूसरे बॉडी एरियाज फेयर होते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती हैं. तो इट मीन्स कि उसका कम्प्लेक्शन तो ऐसा नहीं था, उसको उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर हम डिटेक्ट करते. अच्छा बच्चा, नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मींस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसको मैं रीड करती हूँ. अनलेस यू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, यू मे ओवरलुक एन अंडर एस्टिमेटेड स्पेरिटी. ठीक है, हम बहुत इसको लाइट लेते हैं. असेस हाइड्रेशन इन ऑल पेशेंट्स, स्पेशली दोज विद एक्सेसिव फ्लूइड लॉस. कि हमने असेस करनी होती है हाइड्रेशन भी, स्पेशली किन पेशेंट्स में जिन्हें वॉमिटिंग के इश्यूज हैं, डायरिया है, स्वेटिंग है, बर्न्स हैं, पोलीयूरिया, ठीक है, एंड इन कंडीशन ऑफ रेस्ड एम्बियंट टेम्परेचर, या फिर जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, राइगर्स या चिल्स के साथ पेशेंट आया है, तो उनमें भी हम हाइड्रेशन स्टेटस उनका चेक करते हैं. डायबिटिक पेशेंट में भी? जी जी, डायबिटिक पेशेंट. आ डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पोलीयूरिया का बेसिकली उन्होंने यहाँ बताने का मकसद ये लिखा हुआ है कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ये जो सारे पॉइंट्स है ना विद रिलेटेड टू डायबिटीज, उन्होंने यहाँ मेंशन. A detailed history of the nature and the quantity of fluid loss is important. कि हमें ये भी देखना होता है कि basically fluid loss उसकी body से हुआ है तो किस nature का fluid loss था, कि उसकी quantity क्या थी basically. Like उसको अगर vomiting हुई है तो vomitus की contents क्या थी, ठीक है. अगर उसको diarrhea है तो diarrhea में उसके stool के contents क्या थे, ठीक है. If he or she is having sweating तो फिर sweating का level क्या था, ठीक है. अगर patient को burns हुए हैं तो बर्न में उसके जो साइट ऑफ बर्न एरिया है वहां से कोई एक्सेसिव फ्लूड लॉस तो नहीं अभी तक हो रहा, तो हमने उसको कंट्रोल करना है. पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक पेशेंट आपके पास, फॉर एग्जांपल, कि अगर ये नॉर्मल पेशेंट्स की हम बात नहीं कर रहे, ये हमारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किसी अनस्टेबल पेशेंट पे हो रहा है, कि जो हमारे पास बेड रिडन पेशेंट है, तो उसका हाइड्रेशन स्टेटस भी ऐसे ही हम चेक करेंगे, ठीक है, कि उसमें कोई ऐसा फ्लूड लॉस तो नहीं हो रहा. उसमें उसकी अगर उसकी हाइड्रेशन स्टेटस ड्यूरिंग दिस कंडीशन, जब वो बेड रिडन है, तो क्या वो नॉर्मल है, क्या फ्लूड इनटेक उसमें नॉर्मल जा रहा है, ठीक है. और फिर हम फ्लूड इनटेक और फ्लूड आउटपुट दोनों को चेक करते हैं. ये नहीं है कि हम पेशेंट का सिर्फ फ्लूड इनटेक देख रहे हैं, उसका फ्लूड आउटपुट भी तो देखें. हो सकता है कि पेशेंट फ्लूड इनटेक कम कर रहा हो लेकिन उसका फ्लूड आउटपुट ज्यादा हो ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन हिज और हर ब्लडर सिस्टम, ठीक है. कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इन सारी चीजों को असेस करना होता है. इफ द यूजुअल वेट इज नॉन यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय वेइंग द पेशेंट, ठीक है. हम बेसिकली पेशेंट का वेट भी कर सकते हैं, बट हाउ टू असेस द हाइड्रेशन. हमने हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को या हाइड्रेशन ऑफ स्टेटस ऑफ पेशेंट को कैसे असेस करना है, तो आईज आर संकन, ठीक है. उसकी आईज थोड़ी सी संकन होगी, देयर इज ड्राइनेस ऑफ द टंग, स्किन इलास्टिसिटी इज डिक्रीज्ड, पल्स इज रैपिड एंड ब्लड प्रेशर इज लो एंड द यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज. वही मैंने जो अभी बात बताई है कि हमने उसके फ्लूड आउटपुट को भी देखना है, कि उसका यूरिन आउटपुट क्या है. हम सिर्फ फ्लूड इनटेक को नहीं देख रहे, हम फ्लूड आउटपुट को भी देख रहे हैं कि आइदर पेशेंट जितना फ्लूड ले रहा है उसका आउटपुट उतना ही है या उससे कम है या ज्यादा है, या उसका इनटेक तो नहीं कम जा रहा जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया. तो ये सारी चीजें हमने डिहाइड्रेशन के अंदर असेस करनी होती है पेशेंट, एंड इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अदर साइंस.
अब द लास्ट टर्मिनोलॉजी आज के लेक्चर की स्टूडेंट्स हैं, दैट इज व्हाट इज एडिमा. ठीक है, एडिमा तो सबको ही पता होगा, बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है कि एडिमा मींस स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और एक हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंक्रीज कॉन्टेंट जब भी आता है, ऑब्वियसली जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कॉन्टेंट उसका इंक्रीज होता है ना, तो इट इज नॉट नॉर्मल. नॉर्मल नहीं होता, ये एबनॉर्मेलिटी है. एडिमा कभी भी नॉर्मल नहीं है. ठीक है, इट इज ऑलवेज अ साइन. अगेन जो मैंने सिम्टम और साइन की बात की थी ना, एडिमा भी हमारा एक साइन है. बिकॉज पेशेंट को नहीं पता चल रहा कि उसके अंदर फ्लूइड का इतना ज्यादा कॉन्टेंट हो गया है, या फिर उसके अंदर उसका इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो उसकी वजह से उसको स्वेलिंग हो रही है. हमने असेस करना है, हम देख रहे हैं उसके बॉडी के ऊपर स्वेलिंग. सो इट्स अ साइन. एडिमा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन के पेशेंट इज हैविंग सम प्रॉब्लम. ठीक है, अब एडिमा के टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं बच्चों? जनरलाइज्ड एडिमा, लोकलाइज्ड एडिमा, पोस्टल एडिमा. ये उन्होंने बेसिकली ये जो पूरी स्लाइड है ना, इसमें डेफिनेशन सिर्फ मैंने नेट से ली है, बाकी जो सारी चीजें हैं ना वो आपकी क्लिनिकल लॉग बुक में लिखी है. ठीक है, वैसे एडिमा की दो मेन टाइप्स होती हैं, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग. वो आगे हम डिटेल में पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने क्लिनिकल लॉग बुक में तीन जनरलाइज, लोकलाइज और पोस्टल एडिमा भी मैंशन किया हुआ था, तो ये भी हमने पढ़ना है कि जनरलाइज एडिमा कहाँ पे होता है. मे बी ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, किडनीज, लिवर और गट, और मे बी न्यूट्रिशनल इन ओरिजन. मीन्स कि अगर आपका कोई सिस्टम इन्वॉल्व हो गया ना, तो इट इज टर्म्ड एज जनरलाइज्ड एडिमा. मीन्स कि एडिमा ड्यू टू एनी कॉज, हम कह रहे हैं कि जनरल है, जनरलाइज्ड है. ठीक है, जनरलाइज्ड है मीन्स के समटाइम्स बायोलेटरल भी हो सकता है, दोनों साइड ऑफ बॉडी पे भी हो सकता है. अगर राइट साइड ऑफ आर्म पे है तो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है. ठीक है, राइट साइड ऑफ लेग पे है तो लेफ्ट साइड ऑफ लेग पे भी हो सकता है. तो इट मीन्स कि इट इज जनरलाइज्ड ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो हम जनरलाइज करें. लोकलाइज्ड मीन्स कि एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है और एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से हो रहा है. मे अराइज फ्रॉम वीनस और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. मीन्स कि या तो आपके वीनस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आपके कहीं वॉल्व्स इनकम्पिटेंट हो गए हैं, बैक फ्लो प्रॉपरली नहीं हुआ चैनल्स में से, या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिम्फ नोड्स के अंदर कोई पैथोलॉजी आती है. ठीक है, क्योंकि ये हमारा सारा जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना बॉडी का, अगर वो ड्रेनेज प्रॉपर्ली नहीं हो रही तो भी एडिमा डेवलप हो सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन यही होती है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही होती है पेशेंट्स के अंदर. ठीक है, एलर्जी और इन्फ्लेमेशन, या फिर एलर्जिकल कंडीशन है, या फिर इन्फ्लेमेशन नहीं सेलुलाइटिस वगैरह की कंडीशन है, तो भी एडिमा डेवलप हो सकता है बॉडी के अंदर. पोस्टल एडिमा विद रिस्पेक्ट टू पोस्टल, ये नॉर्मली रिलेटिवली कॉमन होता है लोअर लिम्स के अंदर और इनएक्टिव पेशेंट्स. हम बेडरिडन पेशेंट्स को इसीलिए कहते हैं कि एवरी टू आवर्स के बाद उनकी पोजीशनिंग चेंज करनी है. ठीक है, और अगर पेशेंट इज एबल टू सिट तो आप उसको बिठाएंगे. ठीक है, इफ द पेशेंट इज एबल टू सिट एट द एज ऑफ द बेड और टेबल, तो आप उसको उसकी लेग्स को हैंग करवाकर उसको बिठाएं. ठीक है, ताकि उसकी लोअर लिम्स की थोड़ी सी मूवमेंट हो. इसीलिए हम उसको पोजीशनिंग और ये सब चीजें हम अपनी उसको ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन गाइड करते हैं, ताकि पोस्टल एडिमा डेवलप ना हो. क्योंकि पोस्टल एडिमा बेडरिडन पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली हो जाता है, क्योंकि वो इनएक्टिव पेशेंट्स है ना, तो सारा जो फ्लूइड होता है वो आपके लोअर लिम्स के अंदर पूल कर रहा होता है. जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो पूलिंग ऑफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो इंक्रीज कॉन्टेंट होता है, वो नॉर्मली मूव करना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, क्या उसकी ड्रेनेज प्रॉपर होना शुरू हो जाती है. सो द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिमा क्या है कि व्हेन द एडिमा इज ड्यू टू द जनरलाइज्ड फ्लूइड रिटेंशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेविटी. क्या अभी जो मैं बात करी थी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मूव कर रहा है, तब इट इज यूजुअली फाउंड इन द लेग्स, बैक ऑफ थाइस एंड इन द लंबोसैक्रल एरिया इन द सेमी रिकम्बेंट पोजिशन के अंदर. इफ द पेशेंट लाइज फ्लैट, इट मे इन्वॉल्व द फेस एंड हैंड्स. ठीक है, फेस और हैंड्स को भी समटाइम्स इन्वॉल्व कर लेता है, एज इन द चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू रीनल पैथोलॉजी आपकी है और मोस्ट कॉमनली बच्चों में होती है. ठीक है, इसमें बेसिकली आपका जो प्रोटीन लेवल है ना, वो आपके बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है,
और उस प्रोटीन लेवल के केराटिनिन जो प्रोटीन होती है ना उसके लेवल की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको जो मैनिफेस्टेशन आती है ना वो आपके हैंड्स पे भी आएगी, आपके फेस पे भी आएगी और समटाइम्स आपके लेग्स को भी डेवलप कर ले. तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इस तरह का डीमा डेवलप होता है जिसमें फेस भी इन्वॉल्व होता है प्रॉपरली. ठीक है, अब नेक्स्ट वन साइड है कि टाइप्स ऑफ अडीमा. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अडीमा, पिटिंग अडीमा एंड नॉन पिटिंग अडीमा. अब बच्चों पिटिंग अडीमा का मतलब है कि मैंने नीचे एक डायग्राम, ये वाली डायग्राम शो की है कि पिटिंग अडीमा अकर्स व्हेन एक्सेस फ्लूइड बिल्ड्स अप इन द बॉडी कॉजिंग स्वेलिंग व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड टू द स्वेलन एरिया. जब आप स्वेलिंग एरिया पे प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो एक पिट डेवलप हो जाएगी या इंडेंटेशन डेवलप हो जाएगी. यानी जब आप एक स्किन को प्रेस करते हो ना तो वो स्किन अपनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आने वक्त वो एक टाइम लेती है और वहां पे क्या होता है, एक पिट डेवलप हो जाती है. दैट टाइप ऑफ एडीमा इज कॉल्ड पिटिंग एडीमा. और जो नॉन पिटिंग एडीमा होगा ना उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, स्वेलिंग उसमें भी होगी लेकिन उसमें पिट्स डेवलप नहीं होंगी. आप प्रेस करोगे पेशेंट की बॉडी को तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्वेलिंग उसको है लेकिन उसकी स्किन इंडेंटेशन डेवलप नहीं होगी. ठीक है, नॉन पिटिंग एडीमा रेफर्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन सॉफ्ट टिश्यूज कॉजिंग स्वेलिंग. ऑल्दो इट कैन इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉन पिटिंग एडीमा इज यूजुअली लोकलाइज्ड टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स सच एज लोअर और अपर लिप्स. मैंने बताया है कि आपका नॉन जो पिटिंग एडीमा है वो आपके स्पेसिफिकली लोकलाइज्ड होकर लोअर और अपर लिप्स पे डिवेलप हो सकता है. ठीक है, वैसे एडीमा जो है ना वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे डिवेलप होता है लेकिन मोस्ट कॉमन इसकी मैनिफेस्टेशन आपके अपर और लोअर लिम्स में ही आती है, चाहे वो पिटिंग हो चाहे वो नॉन पिटिंग एडीमा. ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम जब प्रेस करती हैं तो पिटिंग एडीमा में पिट्स डेवलप हो जाती हैं और नॉन पिटिंग में पिट्स डेवलप नहीं होती, इंडेंटेशन डेवलप नहीं होती, बॉडी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बिहेव कर रही होती है, स्वेलिंग दोनों में होती है. ठीक है, अब आगे कुछ टाइप्स हैं, सॉरी कुछ कॉजेज हैं बच्चों. जो पिटिंग एडीमा की कॉजेज है ना उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज जनरलाइज्ड और आगे हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड. मैंने पहले बताया था कि जनरलाइज्ड मींस कि बायलैटरल. अब जिस तरह एक ये पिक्चर है, ये एक बेबी की पिक्चर है, ठीक है, उसके दोनों फीट्स पे और दोनों लेग्स पे एडीमा है, इट मींस कि जनरलाइज्ड है, बायलैटरल है. और जनरलाइज्ड और बायलैटरल, मैंने एक और बात ये बताई थी कि वो हमेशा उसमें किसकी मैनिफेस्टेशन आती है, ऑर्गन्स की. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर आ रहा है तो सिर्फ लोअर हाफ ऑफ बॉडी में होगा. राइट हार्ट फेलियर में कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियम. इंफीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन के अगर, इंफीरियर वेना केवा के ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि इंफीरियर वेना केवा के अगर वॉल्स प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड प्रॉपरली नहीं जा रहा तो तब भी हो सकता है. ठीक है, सेकेंड रीनल कॉजेज हो सकती हैं किडनी से रिलेटेड. अब किडनी से रिलेटेड मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होगा, ज्यादा फेस पे होगा. रीनल फेलियर अभी हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पढ़ा है कि बच्चों में होता है, मोस्ट कॉमनली फेस पे आता है, या फिर नेफ्रिटिक सिंड्रोम. ये नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक दोनों सिंड्रोम्स हैं. ठीक है, ये आपको डिटेल में मेडिसिन में आप लोग पढ़ोगे, दोनों में ही जो है ना प्रोटीन्स लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, किडनीज नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा होता और रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट आता है. थर्ड कैटेगरी में आ जाता है हाइपोप्रोटीनीमिया. यानी अदर देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो भी कंडीशंस होंगी, ठीक है, जिसमें आपकी जो लिवर सिरोसिस, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से, लेकिन मैल न्यूट्रिशन की वजह से अगर बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन होना तब ये कंडीशन होती है. ठीक है, लेकिन अगर माइल्ड मैल न्यूट्रिशन की तरफ बच्चा जा रहा है ना तब इतनी ज्यादा ये अडीमा नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा कॉमनली देखा नहीं जाता. सेकेंड बच्चों इसकी आती है पिटिंग एडीमा की कॉजेज के अंदर लोकलाइज्ड. मैंने पहले कहा था जनरलाइज्ड और एक लोकलाइज्ड. अब लोकलाइज्ड मींस कि ओनली इन द इफेक्टेड पार्ट. लाइक ये वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, इमोबाइल बेडरिडन पेशेंट्स में हो सकती है, लाइक पैरालिसिस के पेशेंट्स में, या फिर इन्फ्लेमेशन जिस तरह ये सेरोलाइटिस का पेशेंट्स में ना आपके बॉडी के डिफरेंट एरियाज के ऊपर ना अजीब सा रेडिश अपेयरेंस आना शुरू हो जाती है, वो सेरोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं. ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है बॉडी के सेल्स के अंदर, तो वो रेडिश अपेरेंस दे रहे होते हैं, उनमें भी लोकलाइज्ड एडीमा हो जाता है. और लेकिन वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को, लाइक अगर राइट साइड पे तो सिर्फ राइट साइड पे ही होगा, वो बायलैटरल में ही अपेरेंस में नहीं जाएगा. एंड द लास्ट वन इज बच्चों बेसिकली नॉन पिटिंग एडीमा. अब जो नॉन पिटिंग एडीमा है ना, नॉन पिटिंग एडीमा में जब हम प्रेस करेंगे ना तो उसमें पिट्स डेवलप नहीं होंगे,
अब ये बेसिकली हमारे पास किन रीजंस की वजह से हो जाता है, जिसमें आपके पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में ये फिलेरियसिस कंडीशन है एक, इसमें भी लिम्फ नोड्स की प्रॉब्लम होती है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, अगर सर्जिकली लाइक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के अंदर जब हम लोग ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी करते हैं तो हम सात जो आपके रिस्पेक्टिव पेक्टोरल लिम्फ नोड्स होते हैं या फिर कुछ और जो लिम्फ नोड्स, आई थिंक एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, वो हम रिमूव कर देते हैं। जब हम लिम्फ नोड्स रिमूव कर देंगे तो जो लिम्फेटिक फ्लो होगा उसकी ड्रेनेज डिस्टर्ब हो जाएगी, उस वजह से भी समटाइम्स नॉन पिटिंग एडिमा हमने अक्सर मैनिफेस्टेशन में देखते हैं हम लोग, कि आपके जो मैस्टेक्टमी के बाद पेशेंट्स आते हैं ना फिजियोथेरेपी वार्ड्स में, उसमें मोस्टली यही होता है कि उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उनको उस रिस्पेक्टिव शोल्डर पे एडिमा डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज जब वो सर्जरी करते हैं ना, जब ब्रेस्ट रिमूव करते हैं तो उनके लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर देते हैं। जब वो लिम्फ नोड्स रिमूव करते हैं तो जो लिम्फेटिक फ्लो है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज का प्रॉपर चैनल है, वो सारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, ठीक है। उसका एक प्रॉपर चैनल नहीं होगा तो वहां पे एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसी तरह एंजियोडीमा और मिक्सोडीमा, ये भी स्पेसिफिक टाइप्स हैं कि ये भी स्पेसिफिक पैथोलॉजीज में आते हैं। इनकी वजह से भी अगर प्रॉब्लम होती है पेशेंट को तो नॉन पिटिंग ही होगा, वो पिटिंग एडिमा नहीं। पिटिंग एडिमा में मैंने दो बातें हमको ये बताई है कि उसमें या तो जनरलाइज्ड है या फिर लोकलाइज्ड है। अगर वो जनरलाइज्ड है तो उसमें जनरलाइज्ड बायलेटरल होगा, तो आपके वो सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगा, लाइक आपका हार्ट हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन रीनल हो सकता है, या फिर हाइपोप्रोटीनीमिया में हो सकता है। लोकलाइज्ड एडिमा के अंदर सिर्फ अफेक्टेड एक ही पार्ट पे होगा बॉडी के, इमोबाइल पेशेंट्स, बेडरिडन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन या सेलुलाइटिस के पेशेंट्स में। और जो नॉन पिटिंग एडिमा है उसके अंदर क्या होगा कि इंडेंटेशंस डेवलप नहीं होंगी, और उनकी ये मेजर रीजन, मतलब उसमें मेजर रीजन आपकी आपके लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना। और बाकी लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की जो है ना, वो बेसिकली होम टास्क है। ये आपके जो सारे टर्मिनोलॉजीज थी ना आज की और टाइप्स ऑफ एडिमा, ये आपका था होम टास्क, लेकिन मैंने आज के लेक्चर में ये सारा कुछ डिटेल में करवा दिया विद पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको स्किन की लेजन्स का पता हो। कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में इफ यू हैव टू पेशेंट्स और पेशेंट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए कि पेशेंट इज हैविंग द स्केल्स ऑन हर स्किन और द पेशेंट इज हैविंग हीमाटोमा, तो आपको हीमाटोमा और स्केल्स में डिफरेंस करना आता हो, आपको एरिथमा नोडोसम और एरिथमा मार्जिनेटम में डिफरेंस करना आता हो, ठीक है, आपको पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा का पता हो, ठीक है, आपको जॉन्डन्स की साइट्स का पता हो, दीज ऑल टर्म्स और ऑल स्किन लेजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। इसकी उसी तरह इंपॉर्टेंस है जैसे हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो अगर एक भी पॉइंट हमसे मिस हो जाता है ना तो हम एक हेल्दी डायग्नोसिस पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। और अगर डायग्नोसिस हमारा ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में लैग कर रहे थे, तो हम मैनेजमेंट भी नहीं पेशेंट की कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में, मैं वॉलंटेरिली किसी से भी कोई भी डेफिनेशन सुन सकती हूँ, ठीक है, और किसी स्टूडेंट से भी मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो अपने वीडियो ऑन करके, मतलब मुझे कोई जिस तरह मैक्यूल है, ठीक है, उसकी मुझे या तो डायग्राम सेंड करें, ठीक है, हमें दिखाए लाइव, इस तरह मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो सबने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ के आनी है डिटेल में, चाहे इस स्लाइड्स को पढ़ लें, चाहे अपनी लॉग बुक्स को पढ़ लें, या फिर बेड साइड टेक्निक्स तो सारे स्टूडेंट्स ने मस्ट पढ़नी है। मैंने अपना पूरा इस लेक्चर में ट्राई किया कि आप लोगों को एक एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझ आ गई, कोई इसमें पॉइंट आपका मिस ना हुआ। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेक्चर फिनिश करती हूँ। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, देन यू पीपल आस्क। मैम वो जो जी वन बाय वन, मैम सार्कोइडोसिस का मतलब क्या है? जी सार्कोइडोसिस का क्या मतलब है बेटा? जो आपके पास स्पेसिफिकली आपकी, हेलो, आपकी महनूर रहमान ने अपना मैम आपका माइक म्यूट हो गया।
मैम आपका माइक म्यूट हो गया। आप सबको आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके अच्छा बेसिकली अभी क्वेश्चन हुआ है कि सार्कोइडोसिस बेसिकली ये बेसिकली ग्रेनुलोमा के अंदर बच्चों बन जाता है, इसमें इंफ्लेमेटरी सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगेन इट इज एन इंफ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, और ये भी इंफ्लेमेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ना आती है, इंफ्लेमेटरी डिजीज के अंदर आती है, और ग्रेनुलोमेटस डिजीज ना ये हमारे लंग्स के अंदर भी डेवलप हो जाती है और भी बॉडी के डिफरेंट एरियाज के अंदर ग्रेनुलोमास बन जाते हैं ना, तो ये सार्कोइडोसिस की कंडीशन आती है स्पेसिफिकली ना, लंग से रिलेटेड बेसिकली ये इशू है। इसमें इंफ्लेमेटरी सेल्स बन जाते हैं और इसमें इंफ्लेमेशन इस तरह होती है कि जो आपके मैक्रोफेजेस और जो बाकी ये आपके जो होते हैं ना सेल्स जो फॉरेन बॉडी एजेंट्स को किल करते हैं उनकी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैम मैंने आपसे पूछना था कि बेड रिडन पेशेंट्स जो हैं वो लोकलाइज जो पिटिंग एडीमा होते हैं उसमें भी आते हैं और उसके अलावा पोस्टीरियर एडीमा में भी आते हैं? बच्चे जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं ना वो आपके पास आज किसी भी टाइप में सकते हैं, लेकिन आपकी जो बेड साइड है ना, जो आपकी बेड साइड टेक्निक्स की बुक है वो यही लिखती है कि जो आपके कि जो स्लाइड है उस पर बेसिकली तो आपकी जो बेड साइड टेक्निक्स है ना वो यही लिखती है कि जो लोकलाइज्ड एडीमा है ना वो आपके इनमोबाइल और बेड रिडन पेशेंट्स में आता है। जो मैंने पहली स्लाइड लिखी है ना ये वाली लोकलाइज्ड एडीमा वाली, ये जिसमें ये लोकलाइज्ड एडीमा ये वीनस और लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आ सकते हैं, तो ये बेसिकली आपकी क्लिनिकल लॉग बुक्स है, ठीक है। अब है यही पॉइंट के बच्चे यही पूछते हैं कि आदर ये बेड रिडन पेशेंट्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये पोस्टल में भी आ सकते हैं और ये लोकलाइज में भी आ सकते हैं। अगर आप दोनों में लिखोगे तो दोनों में ठीक है, बिकॉज ये दोनों बुक्स का रेफरेंस है, ठीक है। हम नेट्स की बात नहीं करें, हम दोनों बुक्स की बात करें। क्लिनिकल लॉग बुक में उन्होंने इनएक्टिव पेशेंट्स यानी बेड रिडन पेशेंट्स को पोस्टल एडीमा में लिखा है, और जो हमारी बेड साइड टेक्निक्स की बुक अगर आप ओपन करके देखो ना तो उसमें उन्होंने जो है ना इसको लिखा है सेकेंड कैटेगरी के अंदर, विच इज लोकलाइज्ड एडीमा, ठीक है, इमोबाइल या बेड रिडन पेशेंट्स। तो ये दोनों ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास रेफरेंस है बुक का। थैंक यू मैम। यस फरानूर आप क्वेश्चन करें बेटा। मैम ये SCP 2 की क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी या हमें ऑन कैंपस में बुलाकर क्लासेस दूंगी इसकी? अभी बेटा ये जो क्लासेस है ना आपकी SCP की कोर्सेज की, अभी तो फॉर द 2 वीक्स हमें जो इंटीमेशन मिला है वो ये बेसिकली आपका ऑनलाइन ही सारा अभी सिस्टम होगा, बिकॉज ये जो सारी क्लासेस है ना ये आपकी हॉस्पिटल वार्ड रोटेशन में कंडक्ट की जाती है, तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी इस क्लास की स्ट्रेंथ भी 140 प्लस है, तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाना और इस वक्त हॉस्पिटल में अलाउ करना भी अभी थोड़ा मुश्किल है, तो अभी SCP के जो लेक्चर्स है ना वो ऑनलाइन ही होंगे। टिल फर्दर अगर यूनिवर्सिटी कुछ प्लान करती है या स्केड्यूलाइज करती है देन हम लोग उसका फिर आपकी फैकल्टी की तरफ से मैसेज आएगा और फिर हम उसका कंडक्ट करेंगे, लेकिन अभी फॉर द अभी अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊँ तो अभी ऑनलाइन ही चलेंगे, इसके लेक्चर्स तो अभी ऑनलाइन होंगे। मैम यस मैम मैंने पूछना था जो आपने क्लेज्मा बताया है कि वो प्रेगनेंसी मास्क उसमें होता है, तो मैम मैंने पूछना था कि उसकी जो रीजन है मैम सन एक्सपोजर भी हो सकता है उसकी वजह? बेटा सन एक्सपोजर तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि क्लेज्मा एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ना प्रेग्नेंट फीमेल्स में आता है स्पेसिफिकली, ठीक है। सन की वजह से यानी सन एक्सपोजर की वजह से आपके मेलानोसाइट्स के ऊपर अगर मेलानिन के ऊपर कोई मतलब आ रहा है थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है या उसकी अंदर सेल्स की प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से स्किन मैनिफेस्टेशन कुछ और होती है, क्लेज्मा नहीं डिवेलप होता।
प्लाज्मा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट फीमेल्स पे या उन फीमेल्स में जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं एस्ट्रोजन कंटेनिंग, तो उनमें आती है. और ये वन ऑफ द हॉलमार्क है प्रेगनेंसी का प्लाज्मा भी. ठीक है, अगर फीमेल्स को हो जाता है तो इट मीन्स कि उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है. और ये हम इसको फिजियोलॉजिकल ही कंसिडर करते हैं, पैथोलॉजिकल कंसिडर नहीं करते. Yes, students. The rest of class. Any question? No, ma'am. अब तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था? अब वन बाय वन मैं सबसे पूछती हूँ. ओके, आलिया एहसन स्टूडेंट, आप बताएं कि हमने लास्ट टाइम साइनोसिस के बारे में क्या पढ़ा था? What is synosis? Assalamualaikum, ma'am. Ma'am, मैंने last lecture नहीं था दिया, connectivity issue था. Okay. तो आपने recording मैंने जो आपको send की थी वो आपने उसको भी नहीं सुना? No, ma'am. Okay. मैंने recording send की है, recorded lecture है. उसको आप download करो और उसमें जो भी मैंने पूरा lecture उसमें record है, उसमें जो भी आपको query होगी वो फिर आप next time उसे जरूर discuss करना. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिलीट नहीं होगी. मैंने उसको उस पे उसकी एक्सटेंशन पे डाला है, 8 days के बाद वो डिलीट नहीं होगी होपफुली. आप लोग वैसे फिर भी आप लोग डाउनलोड कर लो, मैं आज फिर चेक एक दफा दोबारा कर लूंगी. ठीक है मैम, डाउनलोड कर दो. ओके, अमसा जफर, अमसा जफर, जी महनूर, आपका क्वेश्चन है कोई? नो मैम, आप कह रही ना सुनने के लिए, उसके लिए हैंड रेज किया. ओके, अच्छा महनूर, आप बताएं कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास को बताएं कि क्या था. मेन सेंट्रल जो साइनोसिस होते हैं वो हम लोग का आरटीएल हाइपोक्सिया की वजह से होता है, और उसमें ये होता है कि हम लोग के अंडरलाइंग डिजीज है वो कार्डियक और पल्मोनरी भी हो सकती है. और जो सेंट्रल के लेवल जो हमारे पास पेरिफेरल साइनोसिस होता है उसके बीच में ये इशू होता है कि वो सेंट्रल साइनोसिस से प्रेजेंट करता है और मोस्ट कॉमनली इसमें पुअर सर्कुलर पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है. ओके, और साइट्स भी बताई थी कि वेयर इज सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट. मैम, पेरिफेरल साइनोसिस जो है वो हम लोगों के प्रेजेंट होता है जैसे वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आर्टेरियल डिजीज है ना, तो वो प्रेजेंट होता है हमारे फीट और हैंड्स में पेरिफेरल जो है. ओके, और पेरिफेरल साइनोसिस? ओह सॉरी मैम, वो पेरिफेरल बताया मैंने, और जो सेंट्रल वाला होता है वो वाला प्रेजेंट होता है पेशेंट के वो जो लिप्स, मैम लिप्स वाली साइड पे होता है और उसके अलावा टंग पे. मैंने उसके साइड्स टिप ऑफ नोज पे स्पेसिफिक मैंने साइड्स बताई थी कुछ लास्ट टाइम. हार्ट और लंग्स, मैम हार्ट और लंग्स पे. नहीं, साइड्स मैंने बताई. मैम, मैंने पेरिफेरल मैंने पहले बताया और सेंट्रल मैंने बाद में बताया. पेरिफेरल में मैंने ये बताया आपको कि हैंड्स और फीट से इन्वॉल्व होते हैं उसमें. ओके, ठीक है, और सेंट्रल में लिप्स और टंग इन्वॉल्व होती हैं. लिप्स और टंग ठीक है. और इसकी परसेंटेजेस भी थी सेंट्रल साइनोसिस की कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो. यस मैम, सेंट्रल में 90% होती है. ओके, और आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन
मैम आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन होती है 60 मिलीमीटर पर मर्करी ऑफ 8 किलो पास्कल 8 किलो पास्कल ओके और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि पैलर सेंट्रल में पेशेंट जो डिस्पेनिक होता है और पेरिफेरल में नॉन डिस्पेनिक पेशेंट पैलर में पेल कलर आता है स्किन पे पेल कलर आता है एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या कौन सा पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्शन में कॉम्प्लेक्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डार्क कॉम्प्लेक्शन जो था उसका पेल कॉम्प्लेक्शन तरफ जाता है पेशेंट जाता है ठीक है और साइन और सिम्टम के बारे में क्या डिफरेंस पड़ा था हमने मैम साइन जो पेशेंट हमें बताता है ना वो सिम्टम्स होते हैं उसके जो वो फील करता है और जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है उसको हम साइंस कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्टिव होता है जो पेशेंट है सब्जेक्टिव कंप्लेंट ठीक है और सीक्वेंस कैसे डेवलप होता है फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्या क्या चीजें पेशेंट की असेस करते हैं जब हम सीक्वेंस को चेक कर रहे हो सिस्टेमिक रिव्यू में सारे सिस्टम्स होते हैं जितने भी मतलब विजुअल आ गया ऑडिटरी आ गया कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और कोई भी एक्सट्रीमिटीज वगैरह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बार-बार एक बताई थी कि द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट स्टार्ट्स जस्ट व्हेन द पेशेंट एंटर्स द रूम ऑफ द डॉक्टर कि आपकी एग्जामिनेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब आपका पेशेंट आपके डोर पे आके खड़ा होता है बिकॉज डॉक्टर वहां से ही अपनी असेसमेंट शुरू कर देते हैं अपनी जस्ट अपनी विजन के थ्रू ठीक है अपनी सेंसेस के थ्रू पेशेंट को वहीं से असेस करता है क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ ऐसी पैथोलॉजीज भी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है तो कुछ गेट पैटर्न्स होते हैं जो हम तभी असेस करते हैं जब पेशेंट वॉक करके हमारे पास आएगा ठीक है अगर आके पेशेंट आके बैठ गया है तो तब तो हम उसका गेट असेस बाद में करेंगे ना लेकिन जब पेशेंट अपनी एक वॉक के थ्रू हमारे पास आ रहा है तो हम उसका ग्रुप पैटर्न वहीं से सेस कर लेंगे यस मैम ठीक है ओके अच्छा आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ठीक है टेम्पलेट को कैसे हम लोगों ने पढ़ना है और जब हम मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे तो हम टेम्पलेट को कैसे मेंशन करते हैं वो सारा मैं आप लोगों को मेथड पढ़ाऊंगी और उसके बाद जो ये होम टास्क में जितनी भी डेफिनेशंस मैंने बताई थी वो सारी मैंने सुननी है ठीक है और ये सारे स्टूडेंट्स ना अच्छी तरह ये सारी जो डेफिनेशंस है ना ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कोई भी आपसे कभी भी पूछ ले और ना सिर्फ पूछे बल्कि अगर कोई पेशेंट भी आप लोगों को दिखा दे कि ये दो पेशेंट्स हैं आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और इसको ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे डायग्नोज करोगे सो आपको क्लियर होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू स्किन लिजन्स के पेशेंट को ये इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और इसको ये प्रॉब्लम ठीक है आई थिंक सो कि पिक्चर से बहुत अच्छी डिपिक्शन हो जाती है और समझ भी आ जाती है लेकिन इन सारी डेफिनेशंस को करवाने का पर्पज ही यहाँ पे ये है कि जब हम पेशेंट की असेसमेंट बेडसाइड पे जाके करते हैं ना वहां पे स्टूडेंट्स जाके कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ तो लेते हैं याद भी कर लेते हैं आता भी है लेकिन जब आप देखते हैं पेशेंट को ठीक है तो आपको समझ नहीं लगती कि इसको ये प्रॉब्लम थी या ये प्रॉब्लम थी तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर ये पेटेकियल हेमरेज है तो सेकेंड वन को हीमाटोमा है तो वो कैसी अपेयरेंस में आएगा दोनों की अपेयरेंस डिफरेंट होगी सेम कभी भी नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं और ये वाला स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ड्राइव पे ठीक है रिकॉर्डिंग भी आज के लेक्चर की शेयर कर देती हूँ एंड मैम टोटल लेक्चर कितने हो गए जी आपकी आवाज नहीं आ रही मैम टोटल लेक्चर कितने हो गए SCP-2 के SCP-2 के टोटल लेक्चर्स बेटा होंगे 10 ठीक है ये हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा अब जो थर्ड लेक्चर है वो फ्राइडे को है स्केड्यूल में ठीक है फ्राइडे को सेम टाइमिंग्स पे यही लेक्चर होगा और SCP-3 का लेक्चर होगा और इंशाल्लाह जो है ना हम इसको जब वाइंड अप करेंगे तो उसके बाद आप लोग अपनी लॉग बुक्स
मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी असेसमेंट्स होंगी और उसके बाद हम एक क्विज भी अरेंज करेंगे। लेकिन अभी मुझे जो इंफॉर्मेशन फैकल्टी की तरफ से दी गई वो यही है कि अभी हमने सिर्फ लेक्चर्स कवर अप करने हैं, ठीक है, जो कि जो होम टास्क होगा वो हम हर लेक्चर में ऐड कर दिया करेंगे। जैसे मैंने आज एक ब्रीफ सा आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ली है, पूछ लिया सबसे, ऐसे ही हम नेक्स्ट पे भी होम टास्क में इसको असेस कर लेंगे, ठीक है। मैम जो टेलेंजिक्टेजिया और स्पाइडर नेवी है, अगर किसी कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला पेशेंट आ जाता है तो मैम उसमें हमें किस तरह इतना पिंकिश और मतलब के पता चलता होगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो स्पाइडर नेवी और ये जो टेलेंजिक्टेसिस है ना, ये आपके जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपके कुछ पेशेंट्स के मैंने खुद भी देखे हुए हैं, उनके स्टमक पे होता है, तो स्टमक पे थोड़ा लाइट एरिया होता है। इसी तरह जो आपकी बैक ऑफ द थाई एरिया है, ठीक है, वो आपका थोड़ा लाइटिश एरिया है। तो मोस्टली इनकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो लाइट एरियाज पे आती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई डार्क या बहुत ज्यादा एशियन जैसे लोग होते हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनमें हमें डिटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें और साइंस हमें नजर आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्शन का डार्क होना वो आपके उसको डायग्नोसिस को खराब कर सकता है, लेकिन ना मोस्टली इनकी मैनिफेस्टेशन ना ऐसे लाइट बॉडी एरियाज के ऊपर होती है तो आपको इजीली पता चलता है, ठीक है। ओके मैम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ, ठीक है, और ये इंशाल्लाह स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम ये सब में डेफिनेशन पढ़ के आनी है और हम पहले लेक्चर पढ़ेंगे उसके बाद ये होम टास्क सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।